शहर के पूर्व अध्यक्ष शेख हुसैन के घर पर कुर्बानी के लिए बकरे तैयार रखे गए हैं। बकरा ईद 10 जुलाई को है, जिसकी तैयारियां जोरों से शुरू हैं। नागपुर शेख हुसैन के परिवार ने अलग अलग नस्ल के बकरे लाए हैं, जो आकर्षण का केंद्र बने हैं। ईद उल अजहा की तैयारी अपनी शबाब पर है। कुर्बानी के बकरों की खरीद एवं फरोख्त का सिलसिला कलबना बकरा मंडी, मोमिनपुरा स्थित पुरानी बकरा मंडी, उमरेड रोड, अवस्थी नगर आदि स्थानों पर देखा जा रहा है। इन बाजारों में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के व्यापारियों ने भी कुर्बानी के लिए बकरों को लाया है। ईद उल अजहा के मद्देनजर मोमिनपुरा सहित मुस्लिम क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वस्तुओं की खरीदारी एवं दुकानों पर भीड़ बढ़ गई है। नगर की तमाम मस्जिदों में रविवार की सुबह नमाज अदा कर तमाम तैयारियां पूरी की जा रही हैं। बारिश होने की वजह से नगर के ईदगाहों पर एवं कुछ मैदानों पर भी नमाजें अदा की जाएगी। अधिकतर मस्जिदों में आधे घंटे के अंतर से नमाजें ईद की दो जमातों का एहतमाम किया गया है। कई मस्जिदों में नमाजें ईद की पहली जमात सुबह 8 बजे और दूसरी जमात 8:30 बजे होगी। कल जो है ईद उल अजहा का त्यौहार है, पूरे हिंदुस्तान में, देश में, दुनिया में लोग कुर्बानी करके मनाया जाता है। और हमारे यहाँ तो आप देखते हैं कि ये जो जितने भी जानवर है, सब बकरे, ये पूरे पाले हुए हैं। और इसके लिए 4-5 लोग, पूरे हमारा छोटा बेटा है सोहेल अहमद, वो पूरा, उसको बहुत शौक है। और वो हर जगह से, कश्मीर से, पंजाब से, यहाँ से, वहाँ से अलग अलग जानवर लाता है और साल भर उनको हम पालते हैं। और पालने के बाद में कल उसकी कुर्बानी होगी। और ईद उल अजहा का त्यौहार अब यहाँ पर भी देखने वाले बहुत रात भर आते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो ऐसे जानवर एक अच्छे एंटिक पीसेस भी है इसके अंदर के अंदर में, जो आपने देखा है और आपने फ़ोटो भी लिया है। इसलिए इनको सब बड़े दिल से और इससे पालते हैं, लेकिन जब कुर्बानी होती है तो बड़ा दुख होता है। सब पाले हुए जानवर है, इसलिए यहाँ पर मैं, हम लोग पूरे 3-4-5 लोग इसके यहाँ पर बाड़े में, हमारे कुछ बगीचे में इधर उधर अलग अलग लेके पालते हैं। और साल भर पालने के बाद में कल उसकी कुर्बानी दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BC News, नागपुर।